छात्रों के सपनों की उड़ान में भाषा न बने बाधा, इसी को ध्यान में रखकर NEP 2020 ने न सिर्फ पढ़ने लिखने के तरीके को सरल बनाया है बल्कि भाषा संबंधी मुश्किलों को भी किया है आसान। AICTE ने AI आधारित अनुवादिनी ट्रांसलेशन टूल विकसित कर वर्ष 2021-22 से इंजीनियरिंग एजुकेशन भारतीय भाषाओं में प्रदान करना शुरू कर दिया है। देश भर में 41 संस्थानों में 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा देती है, इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे गांव से आए हुए, गरीब परिवार से आए हुए युवाओं को मिलेगा, शिक्षकों को मिलेगा, नौकरी के लिए अवसर तैयार हो जाएगा। भारत सरकार ने इसी दिशा में काम करते हुए स्नातक विशेष रूप से BA, BSc, BCom एवं स्किलिंग की पुस्तकों का मूल लेखन या अनुवाद भारतीय भाषाओं में करने की पहल की है। ये एक अभूतपूर्व प्रयास है जब भाषा की बाधा को दूर करते हुए विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा और स्किल की किताबें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पुस्तकों के प्रचार और निशुल्क पहुंच के लिए ई कुंभ नाम से एक डेडिकेटेड वेब पोर्टल भी विकसित किया है। ये किताबें ऑनलाइन ई कुंभ पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इन किताबों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के कई देशों में खुले शैक्षिक संसाधनों के रूप में देखा जा सकता है। देश और विदेश के कुल 37,000 से अधिक यूजर्स द्वारा 1,34,000 से ज्यादा डाउनलोड किए गए हैं। इस पहल द्वारा शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया सुविधाजनक बनेगी, साथ ही इस प्रयास द्वारा अन्य लेखक आगे आएंगे और शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं में लिखने को प्रोत्साहन मिलेगा।